हेलो, नमस्कार सर। सर नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है, आप बताइए। फोन किया आपने? सर मैंने कोई मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है कि यूपी पुलिस में वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल की या नहीं आ रही है। ये परमिशन लेनी है? अच्छा, नहीं परमिशन नहीं, इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ सर। जी इन्फॉर्मेशन। अभी हाँ भाई कोई वैकेंसी की कोई अपडेट नहीं प्राप्त हुई है। सर, कब तक आने की उम्मीद और है? कोई है चांस? नहीं, वो सातों से हाँ, सिर्फ नौकरी के लिए आए हो, किसी भी प्रकार की अभद्रता करोगे मुकदमा लिखा जाएगा। समझ रहे हैं आप? किसी के खिलाफ या प्रशासन या लड़के या प्राइवेट वाहन यानी किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आए, वार्ता चल रही है तो वहाँ से लोग जो बात रखी जाएगी सरकार से कि विभाग में जितने पद रिक्त बचे हैं करिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी से ही निरस्त कर दिए। प्रयास हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे, ऊपर वाले के हाथ में है, प्रयास तो अपने हाथ में है ना। क्योंकि नौकरी नहीं मिली है तो कहीं की नहीं है, हम घर वाले भी नहीं पूछे होंगे धरना में गए हो कि नहीं गए हो। कमाओगे तो सब साथ देंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखनी है। और ये विश्वास रखिए कि अगर प्रयास करते रहेंगे हम लोग तो जीत होगी, और नहीं होगी तो 2022 में सरकार को अंदाजा भी यही बेरोजगार दिखाएंगे। याद रखिएगा आप लोग अभी यहाँ पे रहिए, आप लोग यहीं पे किसी भी तरह कहीं जाएंगे नहीं, बात करके आते हैं सर से, इको गार्डन चलना है। ठीक है, क्योंकि देखिए भीड़ बुलाया गया है ना कि चक्का जाम करने के लिए, इसलिए बुलाया गया है कि हमारी बात शासन तक पहुंचे, अधिकारी संज्ञान में लिए, इसीलिए तो आए हो आप लोग कि रोड जाम करने आए हो कि पब्लिक रुक जाएगी तब हमारी मांग पूरी हो गई। रोड जाम करोगे तो भी अधिकारी वही करेंगे, अगर वो कहो